टू थ्री स्टार्ट। हाँ जी, क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय यूसुफ क्या बोल गया। हाँ जी, क्या? अच्छा, साथ में करते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? दिस इज यूसुफ खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, व्हाट्स अप? आज है डेट क्या है? सेवेंथ ऑफ फेब्रुअरी संडे है आज। लास्ट वीक भी हमने शूट किया था, आज भी हमारा कुछ प्लान था लेकिन काफ़ी रीजंस की वजह से प्लान ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो है उम्मीद नहीं छोड़ी और हमने शूट अच्छे ऐसे खतरनाक रील्स बनाए ना। आप देखोगे तो यूसुफ के कैरेक्टर पे सब शक कर रहे हैं। हमारा प्लान था एक्चुअली, जो लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे बोला था कि हम लोग का पार्ट जो कुछ सीक्वेंस बचा था वो आज हम शूट करने वाले थे, लेकिन जो मेन पार्ट था डाला कि इधर, लेकिन तो नहीं, मतलब इनको तो दिख जाएगा ना वो। ये एक्चुअली अच्छा था। भाई ने अभी तक, मतलब शूट होके एक हफ्ते के ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक भाई ने वो ब्लॉग ही नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उससे पहले मुझे Q&A ब्लॉग डालना है, जो कि वो देख चुके हैं, लेकिन मैंने कल शूट किया है, मतलब 6th को। लेकिन क्या सीन बताऊँ मैं अभी? देखो, अगर जिस दिन ब्लॉग एडिट, मतलब जिस दिन ब्लॉग शूट करते हैं उसी दिन एडिट हो जाती है ना, तो वो मतलब पता होता है कि क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ नहीं, क्या शूट किया। सही बात। क्योंकि शशांक अपने ब्लॉग्स में रिवील कर चुका है कि क्या कर रहा है, पूरी तरह से नहीं, बट मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि शशांक तू खुद ही बता दे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। एक्चुअली बहुत लोगों को पता होगा, आप लोग में से मतलब शायद पता हो या नहीं पता होगा, तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे एक्टर बनना है। एक्चुअली ये सब तो चीज़ें एक उस चीज़ का कुछ बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, एक फाउंडेशन टाइप है जो सीख रहा है ये, मतलब ताकि आगे काम आए। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें मैं करते रहता हूँ रिलेटेड टू कैमरा, मतलब कैमरे को कैसे फेस करूँ मैं। जैसे ब्लॉग करता हूँ तो कैमरे के सामने बात करने में बड़ा ईजी हो गया अभी आजकल मुझे। फिलहाल एक प्रोजेक्ट मिला है मुझे, जो कि मैंने मेरे ब्लॉग में बताया है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ये फरवरी में शूटिंग है उसकी, ट्रेलर की शूटिंग है। जो भी होगा मैं मेरे चैनल पे या यूसुफ अपने चैनल पे रिवील कर ही देगा जब प्रॉपर हो जाएगा। अभी जस्ट बता रहा हूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका काम चल रहा है, अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, वो सब बाद में बताऊँगा। और लेकिन जब भी आएगा बहुत बड़े लेवल पे आएगा, क्योंकि ये जो है, मतलब मैं ऑब्वियसली खुल के नहीं बता रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि एक बार जब वो हो जाए उसके बाद ही बताऊंगा, बट जो भी कर रहा है ये बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है इंशाल्लाह, एंड आप लोग को इसको देखने में बहुत मजा आएगा। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग गौर से देखा होगा तो उसमें एक शशांक का छोटा सा पार्ट मैंने डाला है, वो एक एंग्री लुक का वो थोड़ा सा वो था, तो हमने बोला था कि वो एक ऑडिशन टाइप है, एक टाइम पास, लेकिन वो काइंड ऑफ, मतलब ऑब्वियसली सेम था, लेकिन काइंड ऑफ इसका एक कैरेक्टर का झलक टाइप थी वो। तो एक्चुअली क्या था बताऊँ मैं, वो बस वो कैरेक्टर में आके मैं थोड़ा सा एक दो लाइन बोल दिया था बस, बाकी हाँ, मतलब कैरेक्टर इसका वैसे ही है, लेकिन जो डायलॉग जिस तरह से बोले, वो इंटेंसिटी, वो फिलहाल हम आप लोगों ने देखे वो तो नॉर्मल थे, लेकिन वो और ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाली है। सो ये सारी लुक जो है मैं उसी के लिए रखा exactly. कुछ नहीं, जो भी आती है इतनी आती है, तो मुझे बोला गया है कि इतना ही बड़ा और बाल को थोड़े पीछे रख लेंगे। वो जो लुक होगा वो इंस्टाग्राम पे आप लोग को, मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा बिल्कुल। तो मैं इंस्टाग्राम के इसका लिंक, इसके यूट्यूब चैनल का लिंक, KSVS के चैनल का लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन करूँगा, तो आप लोग जाइए शशांक के इंस्टाग्राम पोस्ट में या DM में यूट्यूब चैनल की वीडियो पे कमेंट करिए और लिखिए ऑल द बेस्ट शशांक। और एक और चीज़, अभी चले हम लोग खाने, बहुत ज़्यादा जो हमने एक्चुअली किया है वो ये था कि हम लोग दिन वेस्ट नहीं करना चाहते थे अपना, तो हमने ये सोचा कि हम अपनी कुछ रील्स शूट कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छी शूट हुई है। शायद अब तक अपलोड अगर हो गई होंगी, आपने नहीं देखी है, तो मैं लिंक्स सब मेंशन कर दूंगा, शशांक के, KSVS के, सभी के मेंशन करूंगा, तो आप जाइए, अगर रील्स नहीं देखें तो बहुत ही अच्छी रील्स हैं, मजा आ जाएगा। हाई इसकी ये वीडियो पता नहीं कब आएगा, मतलब नहीं ये वाला देखो, मैंने ना लास्ट व्लॉग जो सोचा, आज 7th February, तो जो लास्ट व्लॉग है जो हमने लास्ट शूट किया है, क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे पे है, तो मैं उसी दिन लेके आऊंगा, तो उसमें BTS भी, तो लोगों को देखना अच्छा लगेगा कि पहले वीडियो देखेंगे फिर BTS देखेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब लेकिन जोगेश्वरी का वही चिगारा बनने का है इसको, जैसे हर्ष बनियाल की वीडियो आती है अगले दिन BTS डालता है, वैसे अपनी वीडियो आएगी तो उसको BTS। अब देखो 2000 वीडियोस पे 1000 व्यूज। अरे हाँ यार, मतलब भाई फेमस हो गया अभी तो, बहुत बड़ा फेमस हो गया अभी, बड़ा यूट्यूबर बन गया अभी, तो देखेगा नहीं हमको, बड़ा कौन हो रहा है, आईफोन किसके पास आया, कोणाचं काय तरी, कोणाचं काय, मराठी माणूस काय करत दिनचे सगळ्यांना सगळं, बस जाणार नाही।
दादा आती नहीं ना इसमें। देखो मेरे को इधर मराठी जो आती है ना वो बस ये आती है, मोरा रे मोरा काय तुझे तोर। बचपन में हमारी प्रिस्का में इतनी शायद वो हमें सिखाती थी, ये रे पाउस का गाओ तुझे गाने यार, मतलब यार बहुत। अरे ब्लॉग हो रहा है गाइस, वेलकम बैक। मेरा हाथ भी था और यूं ही रह गया। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये भाई हम ये बात तेरे वाला ये ले भाई। Yes, तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? सॉरी ऐसे किसी का व्लॉगिंग सेटअप खींचते नहीं है। अरे नहीं लगता है, लेकिन ये क्या इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। बिल्कुल हम जा रहे हैं वैसे कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने एंड उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है, या तो निकलेंगे या क्या करेंगे फिर देखते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और फिर निकलते हैं। ओके, कब प्लान ऐसा था मेरा, शशांक और जयदीप का, कि हम अभी बाहर जाके कुछ शॉर्मा टाइप या कुछ तो खाएंगे ऐसा था हमारा। जेडी वेज खाएगा। हाँ, मतलब हम दोनों नॉनवेज है तो जेडी वेज है, तो हमारा प्लान ऐसा था कि हम कुछ खाएंगे शॉर्मा या कुछ भी खाएंगे बाहर जाके, लेकिन जयदीप ने बोला रुको ज़रा सब्र करो, एंड वो हमारे लिए लेके आ गया नटेला। मैं थोड़ा काफ़ी महीनों से ये चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ और ये मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ जितना होता है मुझसे। लेकिन हमारे लिए शेजवान फ्राइड राइस भी लेके आ गया सर। डोसा बन रहा है, डोसा बनने का टाइम लगेगा। ओहो डोसा भी है, वाह भाई वाह। तो हम थोड़ा बहुत चखवाड़ करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस सो जयदीप के यहाँ से फ्री हो चुके हैं, शूट वूट सब कुछ हो चुका है, काफ़ी भी लिया। तो अभी शशांक ने मुझे बाहर तक ड्रॉप किया है एंड मेरा एक और दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है रफत, आई डोंट नो, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं वहाँ चल के उससे मिलाता हूँ। काफ़ी टाइम हुआ, लास्ट हम लोग मिले थे नवंबर में और उसके बाद सब तक मिलना हो नहीं पाया, तो उसके पास ही जा रहा हूँ मैं, तो पहुँचते एंड फिर मिलते हैं। बस रिक्शा मिल नहीं रही, थोड़ी देर लग रही है, यहाँ दिक्कत होती है, बट जैसा भी होगा मिलते हैं। तो पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर रफत की बिल्डिंग के पास, वो आई डोंट नो नीचे ही है या शायद आ रहा है अभी, वो बैठते हैं यहाँ पे, वेट करते हैं फिर वो आएगा तो मिलाते हैं आपको उससे। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग में, रफत से मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिले, काफ़ी सारी बातें हुई एंड वो कैमरे में आना नहीं चाहता था, कुछ थे रीजंस एंड उसे अच्छा भी नहीं लगता, बट काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी ये जो थी मुलाकात हुई एंड काफ़ी कुछ सीखने मिला। व्लॉग मैं कहाँ हूँ ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, आप देख सकते हैं थोड़ी सी झलक। अभी हमने खेला है क्रिकेट, अब खेलेंगे हम फुटबॉल थोड़ा सा एंड इसकी बर्थडे, वैसे ये एक व्लॉग है जो मैं एंड कर रहा हूँ, इसके बाद तेरा बर्थडे व्लॉग आएगा। अच्छा अब वो कल वाला मतलब वो कल आज का कंटिन्यू होगा। व्लॉग आ रहा है, व्लॉग है, हाय चुमा व्लॉग, घुमाओ ऐसा घुमाओ। हे गाइस व्लॉग हो रहा है। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और व्यूज बताना अपने, शेयर करना और सबसे मेन सब्सक्राइब करना अगर आप करने के, क्योंकि ये जो व्लॉग है नेक्स्ट वाला जो आ रहा है अभी जेडी की बर्थडे, वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।